है। चलिए आगे बढ़ते हुए 5 मिनट में आपको 10 खबरें दिखाते हैं चुनाव से जुड़ी हुई। आज मुंबई में MNS अध्यक्ष और उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ बुलाई बैठक। सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे आज बैठक के बाद NDA में शामिल होने का कर सकते हैं ऐलान। बता दें कि मंगलवार को राज ठाकरे ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से की थी मुलाकात और लगभग 45 मिनट तक ये मुलाकात चली थी, जिसमें महाराष्ट्र में गठबंधन को लेकर चर्चा हुई थी। सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे ने 2 सीटों की मांग की है, लेकिन खबर यह है कि लोकसभा की नहीं बल्कि उनको विधानसभा और म्यूनिसिपल की सीट पार्टी देने को तैयार है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कोटा के दौरे पर रहेंगे। बता दें कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कोटा के दौरे पर जा रहे हैं। सीएम भजनलाल सुबह 10 बजे जयपुर से कोटा के लिए रवाना होंगे। कोटा लोकसभा क्लस्टर कार्यकर्ताओं कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। कोटा भीलवाड़ा और बारा झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तीसरी सूची जल्द हो सकती है जारी। इसी को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज फिर बैठक होगी, जिसमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की सीटों पर मंथन होगा। बैठक में यूपी सहित अन्य राज्यों के प्रत्याशियों पर चर्चा हो सकती है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी समेत पार्टी के दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर MBA के बीच आम सहमति बन गई है। सूत्रों के हवाले से संभावना जताई जा रही है कि आज सुबह 10 बजे सीटों पर नामों की घोषणा की जा सकती है। गठबंधन की ओर से एक संभावित फॉर्मूला भी तैयार किया गया, जिसके तहत शिवसेना उद्धव ठाकरे को 20 सीट दिए जाने की संभावना, वहीं कांग्रेस को 19 सीट और NCP शरद पवार को 9 सीट दिए जाने पर सहमति बनी। हालांकि महाविकास अघाड़ी में प्रकाश आंबेडकर की अगुवाई वाली वंचित बहुजन अघाड़ी शामिल रहेगी या फिर नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से 15 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किया जाना बाकी। कांग्रेस पहली सूची में 10 उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। कोटा से वसुंधरा राजे के करीबी बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल आज कांग्रेस में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे PCC मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद डोटासरा की मौजूदगी में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन हुआ शुरू, ऐसे में सभी नेता पार्टियां अपनी समीकरण बैठाने में लगे हुए। इसी क्रम में 20 मार्च को 3 नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा, इसमें पप्पू यादव, दानिश अली और चौधरी लाल सिंह का नाम शामिल। पप्पू यादव ने अपनी जनाधिकार पार्टी का कांग्रेस में कर दिया विलय। जम्मू कश्मीर के पूर्व बीजेपी नेता चौधरी लाल सिंह ने भी अपनी पार्टी डोगरा स्वाभिमान संगठन का कांग्रेस में विलय किया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की अपनी एक नई लिस्ट जारी किया। सपा ने 6 और सीटों पर प्रत्याशी घोषित किया। संभल, बागपत, नोएडा, पीलीभीत, घोसी और मिर्जापुर में सपा ने उतारे अपने प्रत्याशी। संभल से शफीकुर रहमान बर्ग के पोते जियाउर रहमान बर्ग, बागपत से मनोज चौधरी, नोएडा से राहुल अवाना, पीलीभीत से भगत सरन गंगवार, घोसी से राजीव राय और मिर्जापुर से राजीव सिंह बिंद को टिकट दिया गया। उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में समाजवादी पार्टी ने अब तक 44 उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दल लगातार उसमें देख रहे हैं उठा पटक। इसी सिलसिले में बिहार में गया कि JDU जिलाध्यक्ष सहपुर टिकारी विधायक अभय कुशवाहा ने पार्टी से दिया इस्तीफा। आज अभय कुशवाहा RJD में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक औरंगाबाद से RJD के उम्मीदवार हो सकते हैं अभय। तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी पार्टी AIDMK और DMDK के बीच सीटों का बंटवारा। बुधवार को दोनों पार्टियों ने बंटवारे को दिया अंतिम रूप। राज्य में लोकसभा की कुल 39 सीटें, जिसमें DMDK 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। SDPI और पुथिया तमिलगम को एक एक सीट दी गई है। वहीं AIADMK ने 16 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। तमिलनाडु में पहले चरण में वोटिंग होना है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी राजनीतिक दल इलेक्शन की तैयारी में जुटे हुए हैं, जिसके तहत अपनी अपनी पार्टी से उम्मीदवारों के ऐलान तेज कर दिए हैं। इसी बीच लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में गया लोकसभा सीट पर RJD ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। RJD ने पूर्व मंत्री सर्वजीत को गया लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया। बता दें कि उस सीट से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं।